नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपको होस्ट रोहित, अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ऑल न्यू टोयोटा ग्लांजा एस वेरिएंट। इसके एक शोरूम की कीमत की बात की जाए तो यह है 7,29,000 की। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चल जाए। अब ये गाड़ी जो है सिल्वर कलर में बहुत ही सुपर दिख रही है, सिल्वर एंड थोड़ा लाइट ब्लू टिंच दिया गया है तो वो लुक बहुत ही सुपर आता है। सबसे पहले आप इसके अंदर सामने देख सकते हो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिए गए हैं, हैलोजन हेडलाइट्स है पर बाकी बहुत ही सुपर दिखते हैं प्रोजेक्टर्स के। यहाँ पे आपको सामने पायलट लैंप और साइट एंड इंडिकेटर्स दिए गए हैं और ये जो आप डिज़ाइन एलिमेंट देख रहे हो पूरा क्रोम का अंदर डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, DRLs नहीं है बट देन डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा है। और ये सिग्नेचर आपको टोयोटा की ग्रिल मिल जाती है जो कि सुपर दिखती है। मेन यहाँ पे आपको टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगर आप बम्पर देखोगे तो बम्पर भी बहुत ही वेल पुट आउट दिखता है आपको। यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको इसके अंदर फॉग लैंप्स मिलते नहीं है इस वेरिएंट में बट देन आफ्टर मार्केट या आफ्टर एक्सेसरी आप लगवा सकते हो इसके अंदर। ये जो ग्रिल है ग्रिल का भी डिज़ाइन बहुत ही सुपर दिखता है और स्पेशली ये जो एक आप देखते हो ना बुल हॉर्न टाइप जो डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है बहुत ही एग्रेसिव लगता है। सामने से कार तो अल्टीमेट दिखती है। अगर आप इसका बोनट देखोगे तो बोनट के ऊपर क्रीज लाइंस है, दो क्रीज लाइंस जो कि कार के एंड तक जाती है, बहुत ही शार्प एंड एंगुलर लुक देती है यहाँ से। अब आप इसका साइड का लुक देख सकते हो। साइड में सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 15 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं। तो इसके अंदर टायर साइज की बात की जाए तो इट इज़ 185/55 R15 के अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं। अब ये स्टील रिम्स है विथ कवर लगाया गया है इसके ऊपर जो कि अच्छा दिख रहा है। अगर आप इसका ORVMs देखोगे तो डुअल टोन में दिए गए हैं विथ साइट एंड LED इंडिकेटर्स। ए पिलर आपको पूरा ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है, बी पिलर भी आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा, सी पिलर भी यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है, साथ ही साथ आपको क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है। और ये जो लुक है यहाँ पे पूरा आपको ब्लैक कलर में ही देने वाला है बेल्ट लाइन तो अच्छा दिखता है क्योंकि टॉप एंड्स में आपको पूरा यहाँ पे क्रोम का एलिमेंट डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है पर इसमें है नहीं यहाँ पे, बट लुक्स रियली गुड एंड नाइस। जो डोर हैंडल्स है आपको बॉडी कलर्ड ही मिलने वाले हैं। नीचे यहाँ पे कोई क्लैडिंग नहीं मिलने वाली आपको बट आफ्टर मार्केट डोर क्लैडिंग आप लगवा सकते हो। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो कार AC ही मिलती है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का लिड मिल जाता है। अब पीछे से आपको दिखा देते कार कैसी दिखती है। पीछे से भी अगर आप देखोगे तो कार का लुक काफ़ी अच्छा है। ये जो मेन इसके टेल लैम्प्स है पूरे आपको LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं तो उसका लुक बहुत ही अच्छा था। ग्लांजा की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पे, टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाती है। एस वेरिएंट है जो कि उसका वेरिएंट बैजिंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है और डिफॉगर मिल जाता है। वाइपर एंड वॉशर मिसिंग है जो कि पुराने बलिनो ग्लांजा में आपको मिल जाता था, मतलब सेकेंड वेरियंट से, यहाँ पर अब नहीं है। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। अगर आप इसका बम्पर देखोगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको चारों रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर्स। अब आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, बहुत सारे सामान इजीली आ जाएंगे। यहाँ पे आपके फ्लैश करते हो दिख जाएगा कितना बूट स्पेस है इसका। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 15 इंचेस का ही स्पेयर व्हील मिलने वाला है विच इज़ अ बिग थम्स अप। ये तो हो गई इसकी एक्सटीरियर की बातें, अब इसके इंटीरियर की ओर चलते हैं और देखते हैं इंटीरियर से कार कैसी दिखती है। सबसे पहले आप इसका डोर पैनल देख सकते हो, पूरा ब्लैक कलर में डोर पैनल दिया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फैब्रिक ऐड ऑन किया गया है, पैडेड फैब्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। थोड़ा ये ब्लैक एंड बेज कलर का लुक्स रियली गुड बट देन ये फैब्रिक का यही है कि शायद थोड़ा बहुत जल्दी आपको मेला हो जाए या ख़राब हो जाए तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोटो पावर विंडोज़ दिए गए हैं, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाता है, ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं, डोर ओपनिंग लीवर दिया गया है, ब्लैक कलर में है बट देन लुक्स नाइस नॉट बैड एट ऑल। आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह दी गई है और नीचे आपको स्पीकर वेंट्स मिल जाते हैं। अब आपको इसका इंग्रेस एंड आउटग्रेस दिखा देता हूँ। अब इस कार के अंदर बड़ी आराम से आके बैठ चुका हूँ। एक जो मुझे बड़ी कमी लगी है वो है सीट हाइट एडजस्टमेंट, वो आपको इसमें मिलता नहीं है। मतलब अगर आपको वो चाहिए तो लास्ट टू वेरिएंट इसमें मिलता है G&V वेरिएंट में, तो S वेरिएंट में मेरे हिसाब से ऐड कर देना चाहिए था क्योंकि अगर आप देखते हो स्विफ्ट VXi में भी आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। तो सेम मैन्युफैक्चरर की ही कार है, टोयोटा है डेफिनेटली नो डाउट, बट देन जब सेम ही प्लांट में बन रही है तो वाई नॉट एड दिस फीचर बिकॉज इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको बड़ी आराम से ऊपर थोड़ा हाइट में बैठ के चलाना है कार को। तो वो इस कार में आपको नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट वेरिएंट्स में अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ बिग थम्स डाउन। पर हम लोग सीट के कंफर्ट की बात कर लेते हैं।
सीट का कंफर्ट तो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा बोलस्टरिंग एंड कंफर्ट दिया गया है, तो आप बड़े ही आराम से बैठोगे इस कार के अंदर। एक और जो अच्छी बात लगती है मुझे, ये डुअल टोन जो सीट्स दी गई है ना, तो इसके इंटीरियर्स के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से मैच हो जाता है, तो दिस अगेन बिकम्स अ बिग थम्स अप। दोस्तों अब आप इस कार का इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर भी बहुत ही सुपर्ब दिया गया है। 3-layer डैशबोर्ड मिल जाता है आपको, हार्ड प्लास्टिक्स है बट देन रियली गुड मटेरियल, बहुत अच्छा है इसका। और ये जो बीच में जो पियानो ब्लैक फिनिश बहुत ही सुपर्ब दिख रहा है, एंड देन दिस जो बेज कलर है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है इस कार के साथ में। यहाँ पे आपको इसके एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 7 inches का टच स्क्रीन मिल जाता है, छोटा टच स्क्रीन है, बड़ा हो सकता था इसके अंदर, बट देन क्योंकि ये सेकेंड बेस वेरियंट है इसमें आपको टच स्क्रीन मिल रहा है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेन इसके एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो एसी क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि अगेन इज़ अ बिग थम्स अप। यहाँ पे आपको 12-volt का चार्जिंग सॉकेट, नीचे USB का सॉकेट मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है, 2 cup holders दिए गए हैं। हियर दिस इज़ योर 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो पूरा ब्लैक कलर का फिनिश दिया गया है, तो ये डैशबोर्ड यहाँ पे सब बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है। वहाँ पे भी अगर साइड पे आप देखोगे तो AC वेंट्स के अराउंड भी आपको पूरा ब्लैक डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, तो वो भी बहुत ही अच्छा दिखता है। अब वी कम टू द मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखते हो तो आपको टैकोमीटर मिल जाता है लेफ्ट में, बीच में MID की बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, और राइट हैंड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। बहुत ही अच्छा नाइस नीट लुकिंग लेआउट दिया गया है आपको, जो है एकदम एनालॉग, प्योर एनालॉग दिया गया है, पर लुक वाइज बहुत ही नीट एंड नाइस दिखता है, तो अच्छा है एक्चुअली, नो डाउट्स इन दैट। अगर आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखोगे तो स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा फ्लैट बॉटम दिया गया है, स्विफ्ट जैसा स्टेयरिंग व्हील है इसके अंदर, टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाती है इस कार में आपको। पर्टिकुलरली इस फ्रंट में 2 आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो यहीं पे आपको दिया गया है। पर अगर आप ऐसे पकड़ के बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है ये, जो मतलब इसका जो स्टेयरिंग व्हील है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी लगेगा, तो इसको चलाने का मज़ा अलग आने वाला है, नो डाउट्स इन दैट। यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है, लाइट्स दिए गए हैं, पुशेबल लाइट्स। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विच इज़ अ बिग थम्स अप। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो आपको पुलेबल हैंडल्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ग्लव बॉक्स दिया गया है जो कि काफ़ी डीप है, बहुत सारे सामान इजिली आ जाएंगे इसके अंदर, दैट इज़ वॉट इट इज़। अगर आप ड्राइवर साइड पे देखते हो तो AC वेंट्स दिए गए हैं आपको, हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाता है, और ऑटो ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह दी गई है, या दैट इज़ वॉट इट इज़। आपको नेक्स्ट इसकी एक और अच्छी चीज़ जो दिखा देता हूँ वो है इसकी की, या आप इसकी की देख सकते हो, की भी काफ़ी अच्छी दी गई है, लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, बट साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टोयोटा का ब्रांडिंग, ये कुछ नया है, नहीं तो हमेशा आप मारुति या सुजुकी की ब्रांडिंग देखते हो, सो दिस इज़ वेरी गुड, कुछ अलग लगता है एक्चुअली, या दैट इज व्हाट इट इज। अब इस कार के रेयर सीट में आके बैठ चुका हूँ मैं, बड़े ही आराम से बैठ सकते हो इसके अंदर, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी नी रूम मिल जाती है, हेडरूम भी ऑल्सो इज रियली गुड, 3 लोग बड़े ही आराम से बैठने वाले इसके अंदर, और जो सीट्स है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है, नो डाउट्स इन दैट। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है, थोड़ा बहुत और कुछ सामान रख सकते हो इसके अंदर, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, अगेन यहाँ पे भी आपको फ़ोन होल्डर मिल जाएगा। आपको रेयर एसीमेंट्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में, नेक्स्ट वेरिएंट से जो है आपको रेयर एसीमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, बट देन या इट इज़ अ गुड नो नॉनसेंस कार, आप देख सकते हो बड़ी आराम से आपको ट्रैवल करने में मिल जाएगा इस कार के अंदर। तो दोस्तों अब आप इसका पूरा इंजन बे देख सकते हो, इसके अंदर आपको द ऑल फेमस BS6 4-cylinder 1.2-liter पेट्रोल इंजन मिल जाता है। अब ये जो है 89 PS की पावर देता है, तो वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डुअल VTVT डुअल जेट इंजन मिल जाता है इसके अंदर आपको, तो दैट इज़ अ बिग थम्स अप। बहुत ही अच्छा माइलेज मिलने वाला है आपको, तो इफ़ यू वांट अ गुड माइलेज मशीन गो फॉर दिस, आपको बिल्कुल भी कोई निराशा नहीं होने वाली है। एक और जो अच्छी चीज़ मिलती है इसके अंदर आपको, यहाँ पे अंदर देख सकते हो काफ़ी अच्छा फायरवॉल दिया गया है, तो डैम्पिंग अच्छी की गई है, ऊपर यहाँ पे भी डैम्पिंग अच्छी तरह से की गई है, तो आपको कार बहुत ज़्यादा साइलेंट होने वाली है, नो डाउट्स इन दैट। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्विक वॉक अराउंड वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द बैंगलोर ऑडियंस। अगर आपको कार देखनी है, खरीदनी है, यू कैन डेफिनेटली कम डाउन टू नंदी टोयोटा, उनका एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल, पीस, बाय।